अभी कक्षा में गणित विषय में तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। तीसरा चैप्टर है आव्यूह। बोर्ड परीक्षा में ये 3 अंक का चैप्टर है, इसमें से 2 प्रश्न आते हैं, एक एक नंबर का और एक 2 नंबर का। परिभाषा की दृष्टि से देखें तो आव्यूह वह आयताकार क्रम विन्यास जिसमें संख्याओं व राशियों को पंक्ति व स्तंभ के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, आव्यूह कहलाता है। इसको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से डिनोट करते हैं। सांकेतिक रूप में आव्यूह को A बराबर A I J M Y N। यहां पर A क्या है? A यहां पर अवयव है। I क्या है? I यहां पर पंक्ति है और J यहां पर स्तंभ है। इसको प्रदर्शित करने के लिए 3 तरह के कोष्ठक हम प्रयोग कर सकते हैं। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। सामान्यतः इस कोष्ठक को हम यूज में लेते हैं। आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार में देखें, पहला आव्यूह होता है पंक्ति आव्यूह। रो मैट्रिक्स, इसकी परिभाषा देखें, पंक्ति आव्यूह वह आव्यूह है जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। इसमें जैसे एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो इसमें पंक्ति को पहले लिखते हैं और स्तंभ को बाद में, और ये इसका क्रम कहलाता है 1/3। इसी प्रकार दूसरा स्तंभ आव्यूह, इसकी परिभाषा देखें, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स। इसमें इसका उदाहरण देखें, इसमें 3 पंक्ति हैं और 1 कॉलम है, तो इसका क्रम हो गया 3/1। इसी प्रकार अगला तीसरा आव्यूह का प्रकार है शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसके सभी पद, सभी अवयव शून्य हो, और यहां इसका क्रम देखें तो 2/2, 2 पंक्ति हैं और 2 कॉलम। चौथा आव्यूह है वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी परिभाषा अगर करें तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान हो, वर्ग आव्यूह कहलाता है। यहां पर इसका क्रम रहेगा 3/3। ये आव्यूह के अंदर जो कोष्ठक में अवयव लिखते हैं, ये वास्तविक संख्याएं या सम्मिश्र संख्याएं हो सकती हैं। पांचवा आव्यूह देखें, पांचवा आव्यूह कहलाता है विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह की परिभाषा करें, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल विकर्ण के अवयव हो, बाकी अवयव शून्य होते हैं,
विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें विकर्ण के अवयव दिए हैं, बाकी अवयव शून्य है। छठा आव्यूह प्रकार होगा अदिश आव्यूह। इसका एग्जाम्पल देखें, ऐसा आव्यूह, इसमें भी अदिश आव्यूह एक प्रकार का विकर्ण आव्यूह होता है, बस इसमें अंतर है कि विकर्ण के अवयव समान होते हैं। इसका विक्रम 3/3 है। तो विकर्ण आव्यूह और अदिश आव्यूह में अंतर देखें, इसमें विकर्ण में अलग अलग अवयव हैं, इसमें विकर्ण के समान अवयव हैं। इसको अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगला देखें सातवां, सातवां प्रकार है इकाई, इकाई आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसमें इकाई के पद जो है वो विकर्ण के पद होते हैं, यानी विकर्ण के पद केवल एक इकाई हो, इकाई आव्यूह या यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। अगला प्रकार है आठवां, ये त्रिभुजाकार आव्यूह होते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऊपरी त्रिभुजाकार, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजाकार अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। इसका एग्जाम्पल देखें, इसमें विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य होते हैं और इसमें एक प्रकार का ट्राइएंगल बनता है, इसको अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स या ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। इसमें दूसरा है निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, इसमें विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य होते हैं, ये इस प्रकार की शेप होगी और इसका भी क्रम 3/3। एक इसमें आव्यूह और काम में आता है जो कि बुक में भी नहीं है, आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह वो आव्यूह है जिसमें पंक्ति और स्तंभ में पंक्तियों की संख्या कम हो और स्तंभों की संख्या अधिक हो, ऐसा आव्यूह आयताकार आव्यूह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ये तो हुए आव्यूह के प्रकार। आगे चलते हैं बुक से 3.1 एक्सरसाइज 3.1 करते हैं, उसके कुछ क्वेश्चन लेंगे और जो अभी परिभाषा की है इसके अकॉर्डिंग इनको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3.1 एक्सरसाइज,
यदि आव्यूह ए बराबर ए आई जे 2 × 4 हो तो ए में अवयवों की संख्या बताइए। दिया है ए आई जे 2 × 4। अभी बताया था पहले कि आप इसमें आव्यूह का जो क्रम है वो 2/4 है, तो यहां अवयवों की संख्या के लिए इनका गुणा कर देंगे। अवयवों की संख्या बराबर 2 × 4, 8 यहां पर आंसर होगा। दूसरा है 4 × 4 का इकाई आव्यूह, 4/4 क्रम दिया है, तो 4/4 का इकाई आव्यूह अभी जैसी परिभाषा की थी कि जिसमें इकाई के जो विकर्ण के अवयव हैं वो एक इकाई होते हैं, बाकी अवयव शून्य होते हैं। यहां पर 4 पंक्ति हैं और 4 ही कॉलम हैं, तो ये हो गया 4/4 का इकाई आव्यूह। तीसरा क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अच्छा भी है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। यदि आव्यूह के प्लस 4, 3, -1 के -6 बराबर a 3 -1 -4। इस क्वेश्चन में ध्यान देने की बात है कि इसकी जो क्रम है इसका 2/2 क्रम है और इसका भी 2/2 क्रम है, तो जब इसको हल करें यहां पर मान a का पूछा गया है, तो अगर इनकी दोनों की तुलना करें तो यहाँ के प्लस 4 बराबर ए, 2 अज्ञात राशि आ जाएगी ए और के, तो हम इसका मान नहीं ज्ञात कर सकते, इसलिए हम अगला अवयव लेंगे के -6 बराबर -4। इसकी अवयव की इससे तुलना करेंगे क्योंकि ये दोनों वर्ग अवयव है, तो यहां से के का मान अगर देखें तो के का मान आ गया 6, उधर गया पक्षांतर से 6 - 4 के बराबर 2, और के का मान जब पहले आव्यूह में रखेंगे तो के और उनकी तुलना करें के प्लस 4 बराबर ए, तो के का मान रख दें 2, 2 + 4 बराबर ए, तो ए बराबर 6, ये आंसर आ गया। इसी प्रकार हम इसमें कुल 9 क्वेश्चन है, 1 से 3 तक बता दिए, इसी प्रकार इनको आगे घर पर आप लोग हल कर सकते हैं।